Dear students today i will discuss retard second i will discuss working principle of retard third i will discuss uses of retard in food commodity fourth i will discuss advantages and disadvantages of retard and fifth i will cover uh, types of retard and, and its application in food industry बेसिकली रिटार्ट होता गया है हमारे हम फूड प्रोसेसर हमेशा फूड को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिसमें पेरिशेबल फूड है सेमी पेरिशेबल फूड है और स्टेबल फूड है जो स्टेबल फूड है उसको हमेशा कोई भी जरूरत नहीं होती किसी किस्म की प्रिजर्वेशन मेथड की क्योंकि उसकी मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12 परसेंट होती है तो बाकी जो पेरिशेबल फूड है हमेशा कंज्यूमर से पहुंचने से पहले ही टेन ट्वेंटी टू फोटी परसेंट ज़ाय हो जाती है तो हमें उसको सेव करने की जरूरत है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी बहुत से प्रिजर्वेशन मेथड है जिसमें फ्रीजिंग है ड्राइंग है और उसमें कैनिंग आ जाती है बाकी पिकिंग है तो ये प्रिजर्वेशन मेथड तो रिटोर्ट जो है इसी प्रिंसिपल को इन्हीं प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए बनाया गया मीन सबसे पहले हमने फूड को सील करना है सील करके उसको पाउचेस में पाउच में सील करके उसको इस रिटॉर्ट इक्विपमेंट में ऐड करना है जब हम ऐड करेंगे तो टेम्परेचर रखेंगे 110 से 135 हंड्रेड सेंटीग्रेड जो पाँच से 10 सेकंड तक होगा इससे ये होगा कि सारे माइक्रोब सारे किल हो जाएंगे और फूड हमारी लंबे अरसे तक स्टोर हो जाएगी अब इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि सबसे पहले इसकी शेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के ऐड तो करते हुए या बगैर कोई केमिकल को यूज़ करते हुए दूसरा इसमें जब हम इसको पैक कर ये प्रोसेस कर लेते हैं तो हमें किसी किस्म की रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है तो तीसरा यह है कि क्योंकि हमारे पास फूड जो है किसी मुल्क में भी एक जगह सारी प्रोड्यूस और कंज्यूम नहीं हो रही होती बल्कि क्योंकि बाजार जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं या मेन वहाँ पे फूड तो बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं होती हमें फूड को वहाँ पे ट्रांसफर करना होता है उससे यह होता है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम हो जाते हैं क्योंकि पोचेज का साइज बहुत हम कम रखते हैं बाकी इसमें टेस्ट है जो अवेरेंस है वो बेहतर हो जाती है बाकी इसमें यह है कि जो कोई भी कंपनी है वो हमेशा अपनी मशहूरी के लिए वो लेबलिंग करती है ऊपर कि ये कंपनी बना रही है इसमें ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो इसमें इससे ये हो गया तो होता है कि हम न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स हैं ये वाली फूड है स्पेसिफिक फूड जो है ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है ये एलर्जिक है उस बंदे के लिए उस कम्यूनिटी के लिए नहीं है तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए हमें इक्विपमेंट बहुत ज्यादा महंगे इक्विपमेंट की जरूरत है मीन रिटॉट बहुत ज्यादा महंगा है बाकी इसमें यह है कि हमें एक इसके लिए और इक्विपमेंट की जरूरत होती है जिसे हम टेक्सचर एनालाइजर कहते हैं जिसमें नॉब यूज करके हम पौच की स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि वेदर हम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी अब हमारे पास तीन किस्म के रिटॉर्ट है दो किस्म के जिसमें पहले वाला वाटर मरजन है या जेंटल मोशन रिटॉर्ट है इसमें ये होता है कि हम फूड को उसमें उसके अंदर डिप करते हैं और उस उसमें रखते हैं और स्टीम जो है नीचे से आती है ऊपर की तरफ तो जो वाटर इमर्जन वाला है उसमें हम मिल्क यूज़ करते हैं और जो मोशन वाला है जेंटल मोशन वाला उसमें बेवरेजेस वगैरह और पोचिस जार्स बाउल्स वगैरह वो यूज़ करते हैं जो थर्ड वाला है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम उससे प्रोसेस करते हैं जिसमें जो स्टीम है वो ऊपर से आ रही होती है जैसा कि आप देख सकते हैं जिसमें स्टैटिक वाटर स्प्रेयर स्टैटिक वाटर स्प्रे रिटॉर्ट्स है That's all. Thank you so much.